सबको स्वागत है इस नया बाइबल स्टडी हिब्राइम के पुस्तक हालेलुया। तो हम पिछले बार हिब्राइम की इंट्रोडक्शन हमने सीखा, इस वक्त हम जाएंगे हिब्राइम चैप्टर अध्याय एक, पूरा तरह से हिब्राइम एक से तेरह अध्याय है। हालेलुया, ये तेरह अध्याय हम पढ़ेंगे, वाक्य के ऊपर सब कुछ हम सीखेंगे। और ये बाइबल स्टडी जैसा कुल सा खुलासा होगा आपके जिंदगी भी में भी आशीष के ऊपर आशीष, महिमा के ऊपर महिमा आते जाएंगे। तो बने रहिए इस प्रकार इस हिब्रानिया के पुस्तक के स्टडी के लिए। आज के मेरा शीर्षक है इब्रानी एक का, यीशु मसीह भविष्यवक्त और स्वर्गदूत से भी सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं और स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। कितने लोग विश्वास करते हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग विश्वास करते हाथ उठाइए। यस, वो आते इब्रानी एक एक में कितना वाक्य है, कौन बताएंगे? 14 वाक्य है। कितना वाक्य है? 14। हालेलुया, हिब्रा एक एक से 14। अभी इब्रान का अध्याय एक दो भाग में विभागा है। हालेलुया, पहला है यीशु, ये स्थापित करते है इब्राहिम का लेकर कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता से भी श्रेष्ठ है, वो है इब्रानिया एक एक से 3। हालेलुया, 14 वाक्य में 1 से 3 वो लेखक साबित करता है। जैसे देखो, ये जो लेखक लिखता है वो यहूदी है, वो यहूदी होकर वो अभी विश्वास में आया, वो बहुत मजबूत विश्वासी है, ऐसा इस वचन से वो प्रमाण करते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वासी है जो लिखा है ये पत्र। हालेलुया, वो भी नहीं, वो किसको ये साबित कर रहे ये सब लिखकर? वो यहूदी विश्वासी लोग को बहुत सारे केस आगे लेके आते कि तुम अभी पीछे मत हटो। देखो मैं क्यों बोलता, क्योंकि तुम, क्योंकि ये यहूदी लोग भविष्यवक्त को बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व देता था, स्वर्गदूत को भी बहुत ऊंचे सोचते थे वो। तो आज ये लेखक उनको पत्रकार उस यहूदी विश्वासी को बोलते, देखो तुम्हारा भविष्यवक्त से भी मेरा यीशु श्रेष्ठ है, 1 से 3 वही सिखाता है। फिर ये लेखक एक पत्रकार लिखता है, ये तुम्हारा स्वर्गदूत से भी मेरा यीशु श्रेष्ठ है। तो उसको साबित करने के लिए एक के बाद ये लेखक या पत्रकार उनको बताता है, वाक्य के ऊपर वाक्य उनको साबित करता है क्यों हमारा यीशु मसीह बड़ा है। जैसा मुझे मालूम है, मैं जब कैथोलिक लोग से मैं जब बात करता हूँ, मैं भी ऐसे ही एक एक केस उनको बता दे, देखो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैथोलिक से बाहर निकला हूँ, उस पोर्ट आश्रम इधर जाना उधर आश्रम जाना ये सब से बाहर निकल कर मैं आया हूँ, तो मुझे सब कुछ मालूम है कैथोलिक में कैसे गड़बड़ी, कैसे झूठ चैतन्य ने छिपा के रखा है। बहुत लोग जो कैथोलिक है वो यीशु मसीह को अपने यीशु स्वीकार नहीं किया है, जितना भी रीति रिवाज कलीसिया में कभी भी स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। मैंने इस भूल में था कि मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ मैं अभी स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर मैं उस परिवार में कलीसिया में रहते थे कैथोलिक में नर्क में ही जाने वाले थे, परंतु परमेश्वर के शुक्र गुजारो कि यीशु मसीह ने इस एक बहन के द्वारा मुझे यीशु के पास लेके आया, मैं यीशु को स्वीकार किया। हालेलुया, कैथोलिक धर्म का हर एक दुष्ट रीति रिवाज को मैंने त्याग कर यीशु के पीछे चला। अगर आप कैथोलिक परिवार से यहाँ पर बैठा है, प्लीज आपके रीति रिवाज हमको यीशु स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। हालेलुया, तो जैसा मैं कैथोलिकों को बोलेंगे, देखो ऐसा है, मरियम से हम पूजा नहीं करना है, संतों का पूजा नहीं करना है, स्वर्गदूत का पूजा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ऐसा में पूरा वचन से उनको सिखाता है। वैसे ही इब्राहिम यहूदी पत्रकार यहूदी लोगों को सिखाता है ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं तो हम देखेंगे वो कैसा यहूदी विश्वासी को साबित करता है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, उनके पुराने भविष्यवक्ता के ऊपर और सारे स्वर्गदूतों के ऊपर हमारा यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है। हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे पहला, यीशु मसीह भविष्यवक्ता से भी बहुत ही श्रेष्ठ है। पढ़ेंगे हिब्राइम अध्याय एक वाक्य 1 से 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके दूसरा वाक्य,
इन दिनों के अंत में पर इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया जिसने उससे उसमें सारी वस्तुओं की वारिस ठहराया है जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की और यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि के भी निर्माण किया। तीसरा वाक्य सब कुछ हम पढ़ेंगे सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ वह उसी की महिमा का प्रकाश महिमा के प्रकाश और उसके तत्व की छाप है यीशु मसीह महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर और वो यीशु मसीह ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा महामहिमा की दाहिने और जाके बैठा। हालेलुया। ओके हम प्रार्थना नहीं की हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद। सुंदर समय के परमेश्वर अपने हमारी बुद्धि को खोल दिया इस वचन को समझने के लिए। प्रभु हम जानते कि वचन यीशु मसीह आपको जानने के लिए पहचानने के आपकी आराधना जैसा आप है वैसा करने के हमें मदद कर हमारे छोटे मन को विस्तार कर और आपके बारे में जानने के लिए परमेश्वर हर एक पर्दा जो आते हमारे आपके बीच में आपको जानने के यीशु के नाम से उस पर्दा को मिटा देते यीशु के नाम से। अपने बुद्धि की आंखों को आपने खोल दिया वचन को ग्रहण करने के लिए और आपको समझने के लिए। प्रभु धन्यवाद करता प्रभु हम जिएंगे आज से सिर्फ यीशु मसीह के लिए। हमारा प्रधान था हमारा सब कुछ यीशु मसीह है प्रभु। सबके दिलों को यीशु के लव से हम प्रभु डुबाते प्रभु सबको आशीष कर। जितने लोग यहाँ पर आया है प्रभु सबको आशीष कर परिवार व्यक्तिगत तौर से पारिवारिक तौर से उन्हें आशीष कर प्रभु उनके दिल एक अच्छा जमीन बना दे प्रभु। हर एक आटे वाली पत्थर वाली सड़क वाली जमीन को हटा कर अच्छे जमीन बने ताकि हर एक वचन जो आज मेरे मुंह से निकलेंगे अच्छे जमीन में गिर कर जड़ पाकर सब प्रतीक्षा फलदायी होने दो उनके उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके सेहत में उनके बिजनेस में उनके कामकाज में उनके पढ़ाई लिखाई में सब वो ये वचन जाकर आशीष पाने को। प्रभु धन्यवाद सारे महिमा आदर आपको देता हूँ। कोई भी वचन व्यर्थ नहीं आएंगे प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। ये सारे महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ सुनो ग्रहण कर और सबने कहा आमीन 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 हालेलुया। ओके तो कैसा यीशु मसीह भविष्यवक्ता से भी श्रेष्ठ है। पहला वहां पर पहला वाक्य में वापस जाएंगे वहां पर क्या लिखा है पहला इब्राहिम एक का पहला अध्याय पहला वाक्य क्या लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादू से बस ओके पूर्व युग में परमेश्वर एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है गॉड पहला शब्द है गॉड परमेश्वर इधर पूर्व युग में लिखा है पर कोई बात नहीं वहां पर गॉड उसका मतलब हमारा शुरुआत कैसा होना चाहिए परमेश्वर से। सब कुछ हमारा शुरुआत परमेश्वर के हम क्यों सुबह उठते हैं यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के लिए क्यों हम सोते हैं परमेश्वर के लिए क्यों हम भोजन खाते हैं परमेश्वर के लिए क्यों हम शादी करते हैं परमेश्वर के लिए क्यों हमारे बच्चे हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ जो कुछ हम करते हैं कोलोसियों में लिखा है हमें परमेश्वर के नाम यीशु के नाम से करना है फिर वो हर एक चीज आशीषित और फलदायी होगा। तो यहाँ पर ये इब्राहिम का पत्रकार ने परमेश्वर से इस अध्याय को शुरू किया इस उसके पुस्तक को उसके पत्र को शुरुआत किया है तो सब कुछ सही होने वाला है। तो आज से हमें ये निर्णय लें जो कुछ भी आज से करेंगे सिर्फ परमेश्वर के लिए और सर परमेश्वर के लिए मैं करेंगे परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। हालेलुया। तो हमारा प्रधानता क्या होना चाहिए हमारा पति नहीं पत्नी नहीं बच्चे नहीं भाई नहीं बहन नहीं काम नहीं हालेलुया परंतु कौन होना सकता होना चाहिए परमेश्वर। कोई भी अपने काम को परमेश्वर से पहला रखना नहीं है इसे संडे कोई भी हालत पर हम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा काम महत्वपूर्ण नहीं है हमारा सेवकता भी महत्वपूर्ण नहीं है यीशु मसीह सेवा परिपूर्ण है और वो ही प्रधानता है हमारे जीवन में। तो संडे किसी हालत पर कलीसिया को मिस नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर प्रधान है और पहला है हालेलुया। तो यहाँ पर ये लेखक ने अपना अध्याय को या पुस्तक को परमेश्वर से शुरू किया है और आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर बोलता है
वचन एक एक वचन बाकी एक में क्या लिखा है, परमेश्वर हमसे क्या करता है, वो बोलता है। कैसा बोलता है परमेश्वर? हमारे बाप दादो से थोड़ा थोड़ा करके बाकी बाकी से वंशों के द्वारा बातें करता है। उसका मतलब है हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है कि वो हमसे बातचीत करता है। जी हाँ, हमारे सोच से भी ज्यादा वो आपसे बातचीत करना चाहता है। हर वक्त वो आपके कान में कुछ ना कुछ बोलता है, पर हम इतना व्यस्त है हमारे मोबाइल्स में, हमारे इंस्टाग्राम में, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, दुनिया की आवाजों को सुनते हैं, फिर कोई कोई शैतान की आवाज को सुन, शैतान ने कहा गया, शैतान मुझे मार रहे, शैतान मेरे सपने में, पर हम परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे कानों को हमने बंद किया है। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने जो आत्मा कहता है। क्या आपका कान है? हाँ, मैं शारीरिक कान के बारे में नहीं, आत्मिक कान के बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया, हमारा शारीरिक कान भी है और आत्मिक कान भी है। हमारा शारीरिक नेत्र है और आत्मिक नेत्र भी है। हमारा शारीरिक मुंह है और आत्मिक मुंह भी है। जैसा शारीरिक इंद्रिया वैसे ही आत्मिक इंद्रिया, तो हमें उन्हें जागृत हर वक्त प्रार्थना करो, प्रभु मेरे आत्मिक इंद्रिया को जागृत कर ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे सुन सकूं, तेरे बारे में बोल सकूं। हालेलुया, तो यहाँ पर जिसका कान है वो सुनेंगे। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं हर दिन? हर दिन हमको सुनना है, फिर हमारे जीवन हमारे दिन अच्छा जाता है। हालेलुया, मुझे मालूम है जब भी कुछ भी होता है पहले मैं परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर क्या ऐसा है, क्या करना है। या कभी भी मेरा बच्चे कभी लेट आते हैं स्कूल से या कॉलेज से लेट आते थे, मैं बोला प्रभु मेरे बच्चे कैसे है, वो ठीक है ना? तो यीशु का आवाज आता है, बिल्कुल ठीक, वो मेरे हाथों में, वे मेरे बहुत शांति से भर जाते हैं। सुबह जब मैं उठता हूँ प्रभु को, कभी भी परमेश्वर मुझे उठता हूँ, सैलिन उठो समय हो गया आ जाओ, नहीं कभी भी गीतों के द्वारा परमेश्वर मुझे उठाता है। और सुबह जब मैं बैठता हूँ वचन प्रार्थना के लिए, इतना अच्छा सुकून होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज प्रभु मुझे बताते हैं, ऐसा वचन को दो, ऐसा तुम लिखो, ऐसा बोलो इस व्यक्ति को, ऐसा कहो, इसको क्षमा करो, इसको आशीष करो, इसको आज फोन करके उनको उत्साहित करो। तो परमेश्वर बातचीत करता है हर दिन, हर समय, हर नुक्कड़ में, हर क्षेत्र में परमेश्वर बातचीत करता है, पर हमारा कान भारी पड़ गया कि हम सुन नहीं सकता है। इधर लिखा ये पत्रकार इब्रानियों के पत्रकार कहता है कि परमेश्वर बातचीत करता है, बातें करता है। हालेलुया, तो कैसा परमेश्वर बातचीत करता है? प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर बहुत तरह तरह से तरीका से प्रभु बातचीत करता है। भजन संहिता 19 में लिखा है परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा बातचीत करता है। हम कैसे जानते कि परमेश्वर है? वाह, जब हम देखते फूलों को, उस इंद्रधनुष को, उस स्वर्ग को, उस आकाश को, उस पक्षियों को, विभिन्न विभिन्न प्राणियों को, हम बोलते सचमुच परमेश्वर सृष्टियों से, सृष्टियों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। सो ही स्पीक्स टू क्रिएशन, ही टॉक्स टू अस टू क्रिएशन। हालेलुया। दूसरा, प्रभु क्या बोलते हैं, विंड एंड फायर, मतलब आग और हवा के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया, हवा और ये भी, इनके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तीसरा, परमेश्वर हमें हमारे विवेक, रोमाली 1 में लिखा है परमेश्वर हमारे विवेक से बातचीत करता है। हालेलुया, विवेक क्या है? जैसे आपके एक अलार्म बेल है, हालेलुया, अलार्म आपको मालूम है, टिंग डोंग बेल बजता है, आप दौड़ के जाके देखते हैं कौन आया है। उसी तरह परमेश्वर हमारे विवेक में आके बोलेंगे, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, इसको क्षमा कर। अगर हम वो विवेक के, जो परमेश्वर हमारे विवेक से बात कर हम सुनता है, बच गया, हमारे जीवन शांति और आनंद से बढ़ता है। पर हम बोलते नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, फिर क्या होगा? बैल बचते बस में एक दिन बैल खराब होएंगे, फिर परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेंगे, प्रभु किसी और को चुनेंगे। और आपसे कौन आके, अगर परमेश्वर निकल जाएंगे बातचीत नहीं करेंगे, शैतान आपसे आकर बात करेगा, अच्छा तुमको परमेश्वर का आवाज नहीं सुने, मैं आपसे बात करेंगे, और शैतान आकर आपसे बातचीत करेंगे, फिर गलत गलत निर्णय लेने लगेंगे आप। हालेलुया, इसे बहुत ही अनिवार्य है, हमें हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया, हर आप बोलते नहीं मैं मुझे नहीं सुनना, मुझे मालूम नहीं कैसे सुनना है, आप शांत होइए, सुबह उठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, प्रभु बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। प्रभु वचन योहान 10 में लिखा है अब यीशु का बेड़े अब यीशु की आवाज को सुनता है। क्या परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आज से? हालेलुया। और पुराना नियम में परमेश्वर स्वर्गदूत से भी बातचीत करता था। परमेश्वर ने मूसा को तोरा जो है, जो व्यवस्था है, स्वर्गदूत से उसे दिया था। हालेलुया। और पांचवा, परमेश्वर भविष्यवक्ता से बातें करता है। बहुत से भविष्यवक्त लोगों को, मनुष्य को प्रभु उठाते थे, भविष्यवक्त बनाते थे, जैसा मूसा, यशायाह,
योशुआ यरमाया इन लोग से प्रभु बातचीत करते थे, ऐसे परमेश्वर कह रहा है, थस सेज द लॉर्ड, ऐसे परमेश्वर कह रहा है इसके बारे में, हमारे इज़राइल नेशन के देश के बारे में। तो प्रभु किससे बात करते थे? उसके द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हालेलुया। ज्यादातर हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर अनेक मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा आते थे, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन लेके आते थे। हालेलुया। उस वचन में शांति और उनको विजय मिलते थे उस वचन को, उस भविष्यवाणी। तो भविष्यवक्त कौन है? भविष्यवक्त वो है जो परमेश्वर से सुनता है और परमेश्वर की बातों को, संदेश को मनुष्य तक पहुंचता है, पहुंचाता है। हालेलुया। कौन है भविष्यवक्त? जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और परमेश्वर के वचन को लोगों तक, संदेश पहुंचाता है। इसे यहाँ पर पत्रकार लिखते हैं, पहला में आदि में परमेश्वर भविष्यवक्त के द्वारा थोड़ा थोड़ा बाती बाती बातें करते थे। हालेलुया। पर अब परमेश्वर किसके द्वारा बात करते हैं? अंत में यीशु के द्वारा प्रभु बात करते हैं। हालेलुया। कभी भी हम देखते तीन दिन का क्रूसेड, हालेलुया, पहले क्या करें उस क्रूसेड में? पहला दो दिन कोई असाधारण प्रचारों को छोड़े, तीसरा दिन जब भीड़ बहुत लगते हैं, बहुत महत्व प्रमुख भविष्य क्या बोलते प्रचारक छोड़ेगी ताकि भी उसका मैसेज बहुत भारी रहेंगे। हालेलुया। इसलिए तीसरा दिन अंतिम दिनों में और भारी प्रचारक को भेजते हैं। उसी तरह परमेश्वर पहला भविष्य के द्वारा थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग पूरा पिक्चर नहीं जानते थे, वो लोग सिर्फ यीशु के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते थे, और एक भविष्य थोड़ा बोलेंगे, दूसरा भविष्य थोड़ा बोलेंगे, पर पूरा पिक्चर नहीं आते। और यीशु मसीह जब आया वो पूर्णता में आ गया। जैसे आपको याद है जब आप कार में जा रहे हैं और बहुत बारिश है, जब बारिश है तो वो स्वाइपर आके ऐसा पोछते रहते हो ग्रास को, फिर भी आप धुंधला धुंधला दिखता है लोगों को, लेकिन आप बराबर दिखता नहीं कौन है, सब चल रहा है इधर, किसी का चेहरा दिखता नहीं क्योंकि पूरा बारिश है। पर जब बारिश रुक जाता है, आप जब दरवाजे खोलते हैं बाहर जाके देखते हैं, अरे ये तो मेरा पड़ोसी चल रहा था, मेरे भाई चल रहा था, मेरे, तो आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं कौन चल रहा था वहां पर। उसी तरह पहले पहले में ये भविष्यवक्त को कुछ जानता नहीं था, यीशु मसीह आने वाला है, सिर्फ उनको एक झलक मिलता था, कोई तो बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई तो परमेश्वर का बेटा आ रहा है, वो तो कुछ अद्भुत चीजें करने वाले, थोड़ा थोड़ा भांति भांति वो लोग को जानते थे। और जब यीशु मसीह आया उस पूर्णता में आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह पिक्चर को संपूर्ण रूप से पूरा कर दिया। हालेलुया। तो ये भविष्यवक्त क्या है? भविष्यवक्त सिर्फ बोलो वो संदेश देता था, पर हमारा यीशु मसीह खुद एक संदेश है। हालेलुया। भविष्यवक्त सिर्फ वचन बोलता था, पर हमारा यीशु मसीह खुद वचन है। योना ने एक एक लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ थे। हालेलुया। इन द बिगिनिंग द वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज अ वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, एंड द वर्ड वाज गॉड। हालेलुया। तो हर वक्त वचन हमारे साथ है। यीशु मसीह क्या है? प्रभु का वचन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और यीशु मसीह एक चीज कहा, योनान अगर हम पढ़ेंगे, योनान 12:49 में लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही बोलता हूँ जो मेरा परमेश्वर पिता आज्ञा देता है, मैं वही बोलता हूँ जो मेरा पिता आज्ञा देता है। उसका मतलब है यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह बोले मैं और मेरा पिता एक है, देखो उसका अद्भुत है उनका एकता, क्या प्रेम है वो पिता और पुत्र में। अरे वो यीशु मसीह कुछ भी नहीं करता जब तक अपने पिता नहीं बोलता है, तो हम ऐसा है जो हमारे पिता बोलते हैं वही हम करते हैं। हर वक्त में बोलते हैं पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह वही किया जो पिता बोलता था, वैसे आज से जो पवित्र आत्मा तू बोलेंगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो तू बोलेगा चल मैं चल, तू बैठ बैठ, उठ उठ, क्षमा कर, इसको आशीष कर आशीष कर, जो तू बोलेंगे पवित्र आत्मा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह वही कहा तो पिता बोला, उसी तरह हमको भी वही कहना है या करना है जो पवित्र आत्मा हमें बोलता है करने के लिए। हालेलुया। अभी ये लेखक क्या करता है कि 1-3 से अभी वो लेखक साबित करता है कि यीशु मसीह और इस भविष्यवक्त से भी सर्वश्रेष्ठ है। आप क्यों सोचे तेरा भविष्यवक्त नहीं बात करता? अभी देखो मेरा यीशु मसीह, वो भविष्यवक्त है ना मूसा, वो लोग बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है, मूसा और योशुआ और यरमिया यशायाह हगाय सारे भविष्यवक्त जितना भी है ना वो सब बराबर है, अपनी जगह में बराबर है, और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है मेरा यीशु मसीह। क्यों मेरे यीशु को छोड़कर तू यहूदी के रीति रिवाज के वापस जा रहा है? मत जा, यहूदी विश्वासी हो आगे बढ़, विश्वासी हो पीछे मत हट,
उस त्योहार मनाने के पीछे मत हट, लोगों के बातों में आकर पीछे मत हट, यीशु के लिए खड़ा रहे, देख क्या क्या मिलने वाला है जब तू स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु बोले शाबाश बेटा, तू विश्वासियों के लिए रहा, तू पीछे नहीं हटा, कितनी चीज आया फिर भी तू पीछे नहीं हटा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब ये साबित करने के लिए यीशु मसीह भविष्यवक्ता से भी श्रेष्ठ है, वो सात चीजों को बताता है यहाँ पर, सात चीजों को बता कि यीशु मसीह मेरा बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है, भविष्यवक्ता से भी बढ़कर। वो क्या सात चीजें हम पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे हिब्राइन 1:2, हिब्राइन अध्याय 1:2। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। बस ओके, पहला साबित लेख पत्रकार बोलते हैं, मैं पहला साबित मेरा केस है कि मेरा यीशु मसीह तेरा भविष्यवक्ता नहीं है, पर वो क्या है, वो बारिश है। भविष्यवक्त बारिश नहीं है, पर मेरा यीशु बारिश है। किसका बारिश है? सारी चीजों का बारिश है। हालेलुया। इसलिए वो लोग जो भविष्यवक्ता तुम्हारा भविष्यवक्ता नहीं सिर्फ झलक झलक देखा, हालेलुया, पर मेरा परमेश्वर पूर्णता है। हालेलुया। एक बार मुझे याद है, एक बेटी उसकी माँ के पास गए और माँ क्या कर रहे थे, एक बड़ा चादर कारपेट बना रहे थे, और वो आके मम्मी बोले मम्मी क्या कर रहे, ये धागा इधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे, तुम क्या सिलाई कर रहे, मुझे कुछ समझा नहीं, सब धागा इधर उधर जा रहे। तो माँ ने बोला ठहरो मैं बताएंगी। तो एक दिन आ गया, दो दिन गया, एक महीना गया, वो कारपेट बना रहे, चादर को बना रहे, सब इधर से उधर, वो बच्चे को कुछ समझा नहीं। फिर दो तीन महीने के बाद माँ ने बोला आओ बेटी मुझे दिखाना है, देखो इस तरह देखिए तो पूरा ऐसा लगता है पूरा धागा ही धागा, पुराना नियम ऐसे पूरा धागा धागा धागा, कुछ समस्या नहीं किधर किसके पास आता है ऐसा। फिर वो माँ ने क्या किया, उस चादर को उल्टा कर दिया, मीन्स सही कर दिया, उल्टा था सही कर दिया। जब सही कर दिया, बेटी बोला वाह कितना सुंदर है, हालेलुया, कितना मनोहर है ये चादर का डिजाइन, क्या सुंदर आपने किया है, हालेलुया, इतने तो सिर्फ धागा ही दिखा पर अभी देखा तो कितना सुंदर है ये चादर, ये कारपेट कितना सुंदर है। उसी तरह जब हम भविष्यवक्ता के पास जाते, पुराने नियम में जाते, हम कुछ समझते, बहुत सारे लोग होते सिस्टर में बहुत पढ़ता हूँ, पुराने नियम कुछ समझता ही नहीं है, पूरा क्यों क्या हो रहा है, किसका बीवी कौन है, क्या है, कुछ समझता नहीं है। परंतु इसलिए भविष्यवक्त लोग भी कुछ समझता नहीं था, फिर भी जो पवित्र आत्मा प्रेरणा देते वो बोलते थे, हालेलुया। तो उसी तरह पुराने नियम सिर्फ धागा के ऊपर धागा के ऊपर धागा के ऊपर धागा है, पर जब नया नियम में आते हैं, जब हम परमेश्वर उस चादर को सही करते हैं, फिर हम बोलते वाह ये पूरा पिक्चर सही हो गया। फिर वो लोगों को मालूम नहीं था एक दिन यीशु मसीह आने वाला है, चंगाई आने वाला है, बरकत आने वाला है, छुटकारा आने वाला है, दुष्टात्मा भागने वाला है, अनंत जीवन आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह सारे चीज का वारिस है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह के आगमन से क्या क्या नहीं हुआ, पहले लोग मरते थे उसके बीमारी में, मरते थे वो दुष्टात्मा उनको सताते, वो चिल्लाते कोई उनको छुटकारा नहीं देते थे। हालेलुया। उनको जब मरेंगे तो वो लोग आग में हेडिस में जाते थे, आग में जाते थे, उनको कोई बचाने वाले नहीं थे, पर जब सिर्फ वो मेमना को काटते थे पर कुछ बचाने वाले नहीं थे, पर जब यीशु मेरा यीशु मसीह और तुम आपका यीशु मसीह जब आए इस धरती पर, वो लोग कुछ चंगाई किया, अभी बीमारी नहीं चंगाई आ गया, छुटकारा आया, दुष्टात्मा भाग गया और अनंतकाल विपुलपन जीवन परमेश्वर सबको दिया और वो आशीष पाए। तो ये हमारा यीशु मसीह सारे चीज, सारे भूमंडल का, तारा मंडल का, धरती का, सारे चीजों का वो बारिश है। हालेलुया। आपको मालूम है ऊपर से जब धरती को देखते थे इतना छोटा सा बिंदु बिंदु है, हालेलुया, इतना छोटा सा बिंदु है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और स्वर्गदूत बोलते हैं इतना छोटा बिंदु क्या परमेश्वर इतना ख्याल रखते हैं धरती का, और धरती के अंदर वो लोग विश्वासी बैठे कितना प्रभु उनका ख्याल रखता है। स्वर्गदूत भी सोचे क्या होते हैं ये लोग, और ये लोग कुछ मानता ही नहीं है परमेश्वर को, ज्यादा प्रेम में करते आराधना करते, हम लोग तो 24 घंटे आराधना करते, ये लोग तो कुछ मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है। अगर वो लोग खासियत मालूम पड़ेंगे वो ऐसा आराधना नहीं करेंगे, ऐसे वचन नहीं पढ़ेंगे, हालेलुया। तो हमारे छोटा धरती पर हम एक छोटा बिंदु है, उससे भी छोटा बिंदु, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर कहते हैं मैं सारा भूमंडल का भागदार है, वारिस है, हालेलुया। और वही नहीं वापर ही करने खत्म होते हैं, परमेश्वर यीशु बोलते कि ना ही मैं वारिस हूँ, पर जितने लोग विश्वास यहाँ पर बैठे ये सब मेरे साथ सगे वारिस है, सब वारिस है, हम भी वारिस है यीशु मसीह के द्वारा।
हालांकि कितना बड़ा बात है कि हम भी सहवारिश है, हम सब कुछ का अधिकार हमारे हाथ में, हमारे मुट्ठी में है। हालेलुया, जैसा किसी ने बोलो कर लो मुट्ठी में, दुनिया को कर लो मुट्ठी में, पर हमें वचन कुछ दिन दुनिया ही नहीं, पूरा भूमंडल हमारे मुट्ठी में है। हम जो भाग्य देते हैं यीशु मसीह की तरह कार्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, चंगाई होता है, आशीष होता है। हालेलुया, तो पहला वो साबित करते हैं कि यीशु मसीह क्या है, वारिश है। अभी दूसरा चीज, वो यीशु मसीह के बारे में पत्र का लिखता है कि वो सृष्टिकार है। फिर से पढ़ेंगे अध्याय दो इब्राई एक का दो। हाँ, सब कुछ उन दिनों के अंत में, हाँ, हम पुत्र के द्वारा बातें की जिससे उसने सारे वस्तुओं का वारिश। तो पहला क्या है, सारे वस्तुओं, यीशु मसीह सारे वस्तुओं का वारिश है, वो वारिश है। दूसरा क्या है, वो बारिश ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। हाँ, उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया था। उसका मतलब, उसका मतलब है वो सृष्टिकार है, निर्माण करने वाला। हालेलुया, तो दूसरा क्या है, यीशु हमारे यीशु मसीह कौन है, निर्माण करने वाले या सृष्टिकार। योहन्ना एक एक से तीन पढ़ेंगे, योहन्ना एक एक से तीन क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या सृष्टि किया। योहन्ना एक एक से तीन, हाँ, आदि में वचन था यीशु मसीह था, और वचन परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और यीशु मसीह ही परमेश्वर था। हाँ, यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, यदि और यही मुझे वही यीशु मसीह आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा। हाँ, जो आप उत्पत्ति एक में पढ़ते हैं ना, सारी सृष्टि को बनाए कहाँ से, वो पहले ही, तभी यीशु मसीह। कोई बोला अरे यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, वो क्रूस में जब लटका के मर गए, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारा तो समय थोड़ा ही है, मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, उसका ना शुरुआत है ना अंत है, वो आदि में थे और रहते ही रहेंगे, वो कभी भी, ओ हालेलुया, कभी मिट नहीं सकते, वो अनंतकाली है, अनादि परमेश्वर है। तो आदि में है परमेश्वर का, अभी 2000 साल पहले की बात नहीं, वो थे हमारा परमेश्वर इतना साल का है, अरे हमारा परमेश्वर ने सृष्टि को बना, उसका कोई तुलना ही नहीं है। हालेलुया, आदि में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न, तेरा सृष्टि तो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, सारे भूमंडल तारामंडल का सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा हुआ। पढ़ेंगे तीन, हाँ, और सब कुछ, हाँ, उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, निर्माण हुआ, और उसी में, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से ही कोई भी वस्तु, हाँ, उसके बिना उत्पन्न नहीं। हाँ, यीशु मसीह के बिना कुछ भी, पिता ने कुछ बनाया नहीं, मेरा बेटा यीशु उसके द्वारा ही सब कुछ बनाएंगे। जो पिता बोला, वो वचन कौन था, यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा मंडरा कर खारी किया, और धरती आया, सूर्य आया, चंद्रमा आया, पानी आया, पक्षी आया, प्राणियां आए, सब कुछ आ गए, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। अभी हम जाएंगे कोलोसियन 1:15-16, कोलोसियन 1:15, वो कैसा सृष्टिकार है, कोलोसियन का अध्याय 1:15-16। ओके, कोलोसियन 1:15-16, वो तो यीशु मसीह तो परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, परमेश्वर का क्या है, वो प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौटा है, सारे सृष्टि में पहलौटा है। ओके, बोला क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, यीशु मसीह में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा, यीशु मसीह के ही द्वारा, और उसी के लिए, यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। हालेलुया। क्या वो भविष्यवक्ता से बड़ा है, जी हाँ, उस यीशु मसीह सृष्टिकार है, मेरा यीशु मसीह वारिश है सारे चीजों का, इतना बड़ा है मेरा यीशु। अब तू कैसा ही मेरे यीशु को छोड़कर जा सकता है, इतना बड़ा परमेश्वर को जानकर अनजान रहता है, और वापस जाते हैं उस मरे हुए रीति रिवाज के लिए, जो कुछ भी आपको लेके नहीं चल सकता है। हालेलुया, वो मरा हुआ रीति रिवाज है, मेरा यीशु मसीह हकीकत है, और वो जिंदा खुदावन है। हालेलुया, तो पहला हम देखा वो बारिश है, दूसरा हमने देखा वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। ओके, तीसरा वाक्य 3 में जाएंगे, वाक्य 3
वह उसी की महिमा का प्रकाश, यीशु मसीह महिमा का प्रकाश। बस यीशु मसीह क्या है? महिमा का प्रकाश है। आप सूर्य को देखा है? सूर्य के किरने को देखा है? तो ऐसे सोचो, सूर्य कौन है? परमेश्वर। और उसकी किरने जो उससे खिलता है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? उस महिमा का प्रकाश है। वो प्रकाश है, वो रेडियंस है। हालेलुया। ना ही वो वारिश है, ना ही वो सृष्टिकार है, वो क्या है? वो प्रकाश है, वो किरने है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब प्रभु के तंबू जब बनाए गए, वो तीन भाग में दुभाग, हम सबको मालूम है। कौन बताएंगे? बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अब ये पवित्र स्थान में हम वापस देखते हैं कि वो उसके वो तंबू के अंदर रहता है, बाहर के आंगन खुला रहता है। तो पर ये तंबू के अंदर दो भाग है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, दोनों तंबू के अंदर है। तो ये पवित्र स्थान में एक सात तरह के सात दीवट है, कैंडल स्टिक जो बोलता है। ये दीवट क्या है? सात सात पंखे दीवट, वो उधर रोशनी देने के लिए है। हालेलुया। परंतु जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं, वहां पर कोई भी दीवट नहीं, कोई लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है? कौन बताएंगे? चैट में लिखे है, लिखिए। ये देखो, ये सात दीवट, सात दीवट का किधर है? ये पवित्र स्थान। पर जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं, वहां पर भी लाइट चाहिए ना, वो उतना अंधकार है। तो परंतु उधर अति पवित्र स्थान में कोई लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है? कौन बताएंगे? मैं देखने दो, कितने लोग वचन में बहुत तंदुरुस्त है। यस, लिखिए चैट में, अति पवित्र स्थान में क्यों लाइट नहीं है? कौन बताएंगे? कोई चैट में? ओके, कोमल, क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कोमल के लिए ताली बजाएं। यस, परमेश्वर ज्योति है। कहाँ का ज्योति है? और कोई बोलना चाहते चैट में? ओके, रुचि सिस्टर क्या लिखे? क्योंकि यीशु मसीह लाइट है और यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। वेरी गुड, रुचि सिस्टर के लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा है। देखो, इस अति पवित्र स्थान में क्या होता है? वहां पर परमेश्वर की कबोध, शकाइना महिमा उतर आता है। हालेलुया। और शकाइना महिमा पूरा भर जाते, पूरा रोशनी आता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश है। जैसा आपने कहा, यीशु मसीह ने लिखा है, वहां प्रभु का तेज है। यस, तेज है, या हम बोल सकते हैं रोशनी है, महिमा है, प्रभु का महिमा उतर आता है। हालेलुया। आपको मालूम है, इस अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो है महायाजक। अभी सारे कितने भी योगी लोग थे, विश्वास लोग है, वो लोग बाहर के आंगन तक जा सकते हैं, परंतु उस पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग जा सकते हैं, और अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक, वो भी एक ही बार, योम किपुर या योम किपुर त्योहार पर्व के समय में ये महायाजक अंदर जाते, किधर? अति पवित्र स्थान। और बिना लहू नहीं जाएंगे, उन्हें तो मर जाएंगे, पटका में परमेश्वर उसको खत्म करेंगे। सो बिना लहू के नहीं, परंतु लहू लेकर वो अति पवित्र स्थान में जाता है, और वहां पर जैसा लहू चढ़ाता है इस वक्त इस संदूक के ऊपर, क्या होता है? परमेश्वर की महान महिमा, प्रकाश भरी महिमा, शकाना कबोध महिमा उतर आते हैं, रोशनी से भर जाते हैं अति पवित्र स्थान। लोग बाहर से दिखते हैं बड़ा दुआ, ऊपर से कुछ कुछ प्रकाश है, दुआ आ रहा है, पर जब खाली महायाजक को देख सकते हैं, कितना सुंदर है, वो महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। या देखो, बाहर से वो लोग कैसे दिखते हैं, कुछ दुआ चल रहा है, कुछ आग चल रहा है, पर जब महायाजक अंदर जाते हैं, वो पूरा आग लाइट प्रकाश दिखता है। वो है हमारा परमेश्वर। जो आपको दिखता है शकाइना महिमा, हालेलुया, वो उन्हानी शब्द कैरेक्टर, कैरेक्टर किसे आता है? कैरेक्टर के मतलब इंग्लिश में कैरेक्टर, जिसका मतलब चरित्र, आपका असलियत, आपका चरित्र है। हालेलुया। यहाँ पर शकाइना मुझे परमेश्वर का चरित्र उतर आता है, परमेश्वर खुद उतर आते हैं, सिर्फ महायाजक दे सकते हैं। पर ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह मर गया, वो पर्दा जो था फट गया, अभी महायाजक ने हम सब विश्वासी लोग यीशु मसीह को देख सकते हैं, उसकी महिमा को देख सकते हैं,
और ना ही बाहर से देखेंगे, परंतु यीशु मसीह हमारा अति पवित्र स्थान हमारे आत्मा के अंदर निवास करता है। उसके महिमा हमारा अति पवित्र स्थान में, ओ होली ऑफ होलीज, हमारे आत्मा में आके प्रवेश किया है। वो हर दिन हमारे साथ रहता, हमारे अंदर ज्योति है। इसे यीशु मसीह कहते हैं, तू इस दुनिया का, इस धरती का ज्योति है। हम सब परमेश्वर का ज्योति है, क्योंकि उसके महिमा, उसके कबूत, उसके शेखाना, उसके चरित्र, यीशु मसीह का महिमा हमारे अंदर अति पवित्र स्थान में रहता है। हालेलुया, क्या ये अद्भुत है। यस, स्वर्ग में ना सूर्य है ना चंद्रमा है, यीशु वहां पर लाइट है। स्वर्ग में लाइट सिर्फ यीशु मसीह है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जो नया स्वर्ग नया धरती होगा, जैसा हमने प्रकाश वाक्य से सीखा, वो नए यरूशलेम शहर में, वहां पर ना दीपक है ना सूर्य है ना चंद्र, वहां पर कौन है? यीशु मसीह महिमा कैसे भरा हुआ। यीशु मसीह हमारा दीपक होगा, हमारा लाइट होगा। हाले वो महिमा से भरा हुआ है। हाले लुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमने क्या सीखा? तीन चीज, कैसे पत्रकार ने लोधी विश्वासियों को साबित किया कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, और उसे कहा लेकिन तेरे भविष्यवक्ता से मेरा यीशु बड़ा है, क्योंकि वो सृष्टिकार है। वो ना ही वो सृष्टिकार, वो वारिश भी है सारी चीजों का। तीसरा, वो प्रभु का महिमा है, वो परमेश्वर का सूर्य का किरणें है। हालेलुया, ऐसे उसे साबित किया कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। अब इच्छा होता है सात चीजें, तो तीन हम हो गया और पढ़ेंगे चार, और तीसरा, हम तीसरा वाक्य में वापस जाएंगे और क्या साबित करते हैं प्रस्तकार? और तत्व की छाप है, वो तत्व की छाप है। हालेलुया, तत्व की छाप के मतलब क्या है बताइए? ओके, कितने लोग जेरोक्स जाके लेते हैं? आप जेरोक्स देते हैं, कोई पेपर डालते हैं, जेरोक्स डालते हैं, और जब बाहर आते हैं वो पेपर, जैसा पहला पेपर था वैसे ही ये भी है, ठीक है? जैसा पहला पेपर था वैसे ही जेरोक्स का पेपर आता है, दोनों एक ही है। बोलते बराबर, कितना अच्छा है जेरोक्स मिला। इसी तरह यीशु मसीह अपने पिता का जेरोक्स कॉपी है। जेरोक्स जैसे ये पिता है वैसे यीशु मसीह है, वो दोनों जेरोक्स है। हालेलुया। और नहीं तो एक और उदाहरण, तो स्टैम्प पेपर, आप कितने लोग स्टैम्प डाले? स्टैम्प हमें तो स्टैम्प के ऊपर है, वही नीचे भी वो पेपर में आता है, लेकिन कुछ अलग नहीं है, वो सेम है। वो स्टैम्प के ऊपर जो छाप है वही छाप, तत्व छाप, वो छाप किस में आएंगे? पेपर में आएंगे। उसी तरह यीशु मसीह की, यीशु मसीह पिता का तत्व का छाप है। हालेलुया, वो एक है, जैसे पिता है वैसे। जैसा बहुत से चेले लोग फिलिपियो, फिलिप और अपोस्तल योहान गया यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह बोला हमें पिता दिखा ना, कैसा दिखते पिताजी हमारे पिता के, स्वर्गीय पिता कैसा दिखता है? बहुत बोलते हैं स्वर्गीय पिता, इस पिता स्वर्गीय पिता कौन कैसा दिखता है? यीशु मसीह बोला फिलिप तूने मुझे देखा है, बस वही तो मेरा पिता है, जो जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह और पिता एक ही था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो यीशु को स्वीकार करते, जो पुत्र को स्वीकार करता है, वही परमेश्वर पिता को भी स्वीकार करता है। कोई बहुत सारे लोग यो विटनेस लोग वो गलत शिक्षा में आता है, पिता पिता सिर्फ पिता, यीशु मसीह ने, यीशु तो कोई स्वर्गदूत है, वो तो ये है। कोई मुस्लिम बोलते हैं वो तो नबी है, भाई मेरा परमेश्वर कोई नबी नहीं है, स्वर्गदूत है वो। पिता जैसा पिता है वो वैसे पुत्र है। हालेलुया, जो पुत्र को इनकार करते, हम पढ़ेंगे ये यौहान 2:23। कोई यहोवा विटनेस आपके पास आते हैं, कोई मुसलमान, आपको ये बोलना है एक यौहान 2:23 क्या लिखा है वहां पर? बाइबल आप विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करो। एक यौहान 2:23 1 John 2:23 पढ़िए। 1 John 2:23 पत्र, दिस इज गॉस्पल जॉन, 1 John 2:23 यस। प्लीज गौर से ये वचन सो सीखिए, ताकि कोई आपको भुलाए नहीं, भूल भुलाए नहीं करेंगे, या धोखा में या झूठ में नहीं फंसाएंगे। आपको वचन जाना बहुत अनिवार्य है। ओके, एक जौनान तो जो कोई पुत्र का, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को बांध लेता है, जो पुत्र को स्वीकार करते हैं, उसके पास पिता भी है। हालेलुया। तो यहोवा विटनेस बोलता है अरे पुत्र को छोड़ दो, उसको अलग कर दो, वो तो सिर्फ स्वर्गदूत है, खाली पिता को मान लो, पुत्र को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लिखा है जो पुत्र को इनकार करता है वो पिता को इनकार करता है,
जो पुत्र को मानता है वो पिता को मानता है। यीशु मसीह परमेश्वर है, कोई पिता परमेश्वर को अलग नहीं कर सकता है, पुत्र और पिता एक है, वो एक ही पैकेज है। हालेलुया, ऐसा यीशु पिता है। आपको यीशु के पिता के बारे में सीखना है, यीशु को देखो, यीशु का स्वभाव, यीशु का गुण, उसका सब कुछ, जैसा यीशु मसीह है, प्रेमालु, दयालु, कृपालु, वो नहीं चाहते कोई नाश होए, वैसे पिता भी कभी नहीं चाहते वो कोई नाश होए। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह का गुण था वैसे पिता का गुण है, जैसे यीशु मसीह का प्रेम है वैसे यीशु का पिता का प्रेम है। तो जो यीशु को देखा है वो पुत्र को भी देखा है। तो यीशु मसीह क्या है, उसके तत्व का छाप है। हालेलुया, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तो हमने चार चीज क्या सीखा, ऐसे पत्रकार ने साबित किया यहूदी विश्वासी को यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। पहला, यीशु मसीह सारी चीजों का वारिश है। दूसरा, यीशु मसीह सृष्टिकार है। तीसरा क्या, यीशु मसीह वो किरने है, सूर्य की किरने की तरह वो परमेश्वर की महिमा का किरने है, प्रकाश है। चौथा, यीशु मसीह तत्व का छाप है। हालेलुया, ओके, आगे बढ़ेंगे हम जाएंगे फिर से तीसरा वाक्य में, आगे पढ़ेंगे। और सब वस्तुएं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। yes, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। ना ही मेरा यीशु मसीह सारे सृष्टि को बनाया, कोई नहीं, वो सारे सृष्टि को रखवाला है, संभालता है, अपने हाथों में संभालता है। हालेलुया, आपको मालूम है आपका जो पृथ्वी, जो आप बैठे हैं यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, हम सब ऐसे ऐसा है पृथ्वी के ऊपर बैठा है। हालेलुया, ये पृथ्वी जो है एक बॉल की तरह है, और वो बॉल हवा में खड़ा है। ये पृथ्वी जो है, सुनिए, बॉल की तरह है, बॉल हवा में खड़ा है। कैसे हम हवा में खड़े? अरे अगर, क्योंकि हम पृथ्वी यीशु के हाथों में है। अगर यीशु मसीह का हाथ छोड़ देगा, झुक करके ये धरती फट करके नीचे आएंगे, हम सब मिट जाएंगे। ओ प्रभु, इतना बड़ा फेविकॉल है, फेविकॉल से भी मजबूत है उसका पकड़, वो सारे सृष्टि को, तारा मंडल को, भूमंडल को, प्लैनेट्स को, ग्रह मंडल को, धरती हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, सबको पकड़ के रखा है, सबके सब बॉल्स को अच्छा तरह से पकड़ते है, इसलिए हम गिरा नहीं है, हम अभी तक नाश नहीं हुआ। हालेलुया, वो सारा चीज को संभालता है। हालेलुया, और इसलिए प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य में जब आएंगे, प्रभु कहता है कि एक दिन ऐसा होगा जब नया स्वर्ग नया धरती होंगे, ये धरती को प्रभु क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर वो नाश होंगे, इतने लोग उसमें है, भूकंप आएंगे, सब लोग नाश होंगे, प्रकाशित वाक्य हमने सीखा है। हालेलुया, अभी इसलिए हम लोग है क्योंकि यीशु मसीह संभाल रहा है, परमेश्वर सिंहासन पर है। तू अब क्यों डर रहा है, तू किससे डर रहा है? हालेलुया, उस बीमारी से डर रहा है? यीशु मसीह है तुझे संभालने वाला। हालेलुया, एक दिन मुझे याद है हमारे परिवार में किसी का मौत हो गया, हालेलुया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मर गए, और फिर शैतान मुझे सताने लगे कि मेरे घर में किसी को बीमार हो गया, तो तभी शैतान बोला अभी ये मरेंगे, अभी अगला ये मरेंगे, उतना सताया, रात को मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं इधर करवटे बदल रहा है इधर, और कुछ नींद नहीं आ रहा है, तुरंत परमेश्वर ने बोला उठ इब्राहिम 1:3 पढ़। मैंने इब्राहिम 1:3 पढ़ने लगा, क्या है उसमें, प्रभु दिखा, देख मैं सारा सृष्टि को पकड़ के रखते हैं, मैं संभालता हूँ, अगर उस सृष्टि को, उस ग्रह मंडल को मैं पकड़ता, कोई भी नीचे नहीं आते मेरा बिना, मेरे वचन के बिना कुछ भी नीचे नहीं आते, फिर मैं तेरा प्रियो को संभाल नहीं सकता है? खुली का खुली बैठो उस रात को, बाप रे, जो प्रभु सचमुच तू अद्भुत है, धन्यवाद, अभी मुझे कोई डर नहीं, मेरे बच्चे ले मेरे परिवार सब तेरे हाथ में है, कोई एक्सीडेंट हमें छू नहीं सकते, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकते, कोई चीज हमें छू नहीं, हम सब प्रभु के हाथ में है। जब भी हम लोग बाहर घूमने के जाते, हम किधर बहुत लंबा सफर में जाते हैं, हम कार में, मैं सिर्फ एक ही चित्र मेरे मन में आते कि हम सब प्रभु के हाथ में, वो कार, वो गाड़ी, सब कुछ प्रभु के हाथ के मध्य, प्रभु बोलते मैं तू मेरे हाथ के मध्य में, उसे तू बाहर निकल नहीं सकता है, मैं तुझे पकड़ के रखा है। अगर प्रभु ने सारे भूमंडल को पकड़ के रखा है, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, सब कुछ पकड़ के रखा है, संभालता है, कुछ भी नहीं होगा, मेरा परमेश्वर सिंहासन के ऊपर है, वो आपको संभाल रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, यीशु मसीह है वो काफी है, वो काफी है, सिर्फ वो काफी है। जैसे हम लोग इंग्लिश में ये गीत गाते थे, He got the whole world in his hands, he got the whole world in his hands, he got the whole world in his hands, he got the whole world in his hands. Yes, he got you and me, brother. In his hands, he got you and me, sister. In his hands, he got the you and me, brother.
इनसेंस का द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स, उसका मतलब है उसके सारे सृष्टि यीशु मसीह के हाथ में है, हम सब प्रभु के हाथ में है, हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो आपको टांगेगी नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं, वो आप परमेश्वर के हाथ में, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में, क्यों डर है, आपका शादी यीशु के हाथ में, सब कुछ सही होगा, सिर्फ सब कुछ उसके हाथ में देखकर बोलो प्रभु मैं अभी अच्छे सोने वाला, तू तेरे हाथ में सब कुछ, अच्छे नींद लो क्योंकि प्रभु आपके साथ है, वो सब कुछ संभाल रहे, आज से अच्छे से नींद लो, हालेलुया, और सुबह उठकर प्रभु की आराधना करो क्योंकि सब कुछ यीशु के हाथ में है, हालेलुया। तो तीसरा हमने, पांचवा हमने देखा परमेश्वर के सब कुछ प्रभु के, प्रभु रखवाला है। तो हमने क्या चीज सीखा, पांच चीजें, हालेलुया, पहला परमेश्वर सबका वारिश है, दूसरा यीशु मसीह सार सृष्टिकार है, तीसरा यीशु मसीह महिमा का क्या है, किरने है, हमारे प्रकाश है, चौथा यीशु मसीह तत्व का छाप है, पांचवा यीशु मसीह सब कुछ संभालता है, वो सृष्टि किया सब कुछ संभालता है, सब अपने ऑर्बिट में चलता है, कोई इधर उधर नहीं, उसने को इस धरती के चारों ओर सूर्य चंद्रमा चलते है गोल गोल, वही एक ही रोड में चलता है, वो रोड से हटता नहीं क्योंकि यीशु मसीह उसी रोड में उसको रखा है, उस सारी चीज को अपनी ही रोड में रखा है, कोई इधर उधर नहीं जाते, कोई एक दूसरे को डैश नहीं करता है, सब अपने अपने जगह में सही है, हालेलुया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह सबको अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा संभालता है, हालेलुया, हालेलुया। ओके, छठवा, फिर से हम तीन में जाएंगे, क्या आपको क्या लिखा है, वो अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है, हाँ वो पापों को धोकर, हाँ वो पापों को धो दिया है, हमारे सारे पाप, आप बोलते हैं सिस्टर मेरे पाप बहुत बुरा किया मैंने, कोई मुझे क्षमा नहीं करेंगे, अगर वो लोग मानेंगे मेरा बड़ा खूनी है, बड़ा व्यभिचारी है, मैं ऐसा है वैसा है, मेरा यीशु के लिए कोई पाप बड़ा पाप नहीं है, वो बोलते है जा मैं तेरे पाप को क्षमा किया, पाप दूर जाते हैं, आप भी याद करेंगे उस दिन मैंने ऐसा किया, बोले बोले मुझे याद नहीं, मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है, प्रभु का पुराना नियम में जब पुराना वाचा में ये महायाजक को 27 ऑफरिंग्स बेट चढ़ाना पड़ा, एक एक काटो मेमना को, हालेलुया, जब रहीस लोग क्या लाते थे, बड़े बड़े गाय बकरी को लेके आते थे, बट जब गरीब परिवार सिर्फ एक क्या बोलते हैं डाव डाव कबूतर लेके आते थे, हालेलुया, छोटे छोटे चीज पक्षियों को लेके आते थे बलि के लिए, परंतु ये सारा बलि बहुत से 27 बलि सैक्रिफाइस रहते हैं, हालेलुया, ये सबको करना पड़ता है महायाजक याजक को, परंतु यीशु मसीह के बारे में इब्राहिम 10:10-14 में लिखा है कि एक ही बेट से 27,000 नहीं, एक ही बेट से परमेश्वर ने हम सब कुछ शुद्ध कर दिया, हालेलुया, एक ही बेट, हालेलुया, अभी महायाजक को अपने खुद के पापों के लिए प्रायश्चित कर बलि चढ़ाना पड़ा फिर दूसरों के पापों के लिए, पर हमारे यीशु मसीह इतना पवित्र है, उसको उसके लिए पाप का बलि चढ़ाने का दरकार नहीं है, और सिर्फ हमारे पापों का बलिदान के लिए वो अपने आप को लुटा दिया, अपने खुद को लुटा दिया, वो अपने हमारे लिए मेमना बन गया जो हमारे लिए बलि हो गया, धन्य है वो मेमना जो हमारे बलि हो गया, हमारे सारे पापों को पवित्र किया, हालेलुया, आपको गंगा में डूबने से आपका पाप का क्षमा नहीं होता है, हालेलुया, या किसी ने अपने बच्चों को गंगा के अंदर फेंक दिया उसका पाप के मोक्षा के लिए, उससे भी कुछ नहीं होता है, आपके अच्छे कर्म के लिए तीर्थ यात्रा कैलाश पर्वत में जाने से आपका उद्धार नहीं होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको उद्धार दे से आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपको स्वर्ग में लेके जा सकते, उसका नाम है यीशु मसीह, हालेलुया, तालियां बजाइए मेरा यीशु मसीह के लिए, कितना महान है, कितना सर्वश्रेष्ठ है, वो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, सातवां पॉइंट, पत्रकार कैसे साबित करते हैं यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे स्थानों पर, हाँ एक बार बलिदान होने के बाद उसके बाद वो क्या किया, यीशु मसीह जाकर ऊंचे स्थानों पर महिमा में, हाँ उसका मतलब पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गया, हालेलुया। कब हम बैठते हैं, जब हमारे किचन के सब काम होते हैं, साफ सफाई होते, फिर जाकर हाँ बैठ जाते, उसी तरह यीशु मसीह अपने काम पूरा करके कहा सब कुछ खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया, वो रोग खत्म हो गया, श्राप खत्म हो गया, मृत्यु खत्म हो गया, मैं सबको खत्म कर दिया, हालेलुया, और जाकर अपने पिता के पापा के दाहिने हाथ पर जाके बैठ गया, हालेलुया। बहुत सारे टाइम मैंने सुना है कि टीचर लोगों को उधर कुर्सी में रहते हैं, वो लोग बोलते पूरा दिन आप सिखा रहे ना, सिखाओ खड़ा होकर सिखाओ, हालेलुया, उनको खड़ा होकर सिखाना पड़ता है, कोई कोई जगह में कुर्सी नहीं रहते काम की जगह में, उनको खड़ा होकर पूरा दिन खड़ा होकर काम करना पड़ता है, हालेलुया, जैसा शेफ
जो भी होटल का शेफ कोई एक होटल का शेफ हमसे बात कर रहा होता है, अरे हमको एक मिनट भी बैठ नहीं सकते, अगर बैठेगा तो हमारा मार्क्स कट होता है, हमको पूरा दिन खाना बनाना है, इनको सेवा करना है, उनका सेवा करना है, कभी भी बैठ नहीं सकते। पर काम होने के बाद जब हम घर में जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह अपने पूरा काम खत्म किया, फिर जाके अपने पिता के दाहिने और जाके बैठ गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया। मेरा और आपका परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है, इसे कुछ भी हमको नहीं हो सकता है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उसका वो संभालने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। सब कुछ खत्म होकर वो जाके बैठा, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बैठा नहीं है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है वो हमारे निरंतर मध्यस्थ करते हैं ताकि हमको पूरा पूरा बताने के लिए। यीशु मसीह क्यों मध्यस्थ करे, ताकि हम बीच में हार नहीं मानेंगे, हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम निराश नहीं होंगे, इसे हमारा पूरा पूरा बचाव के लिए यीशु मसीह अभी भी निरंतर पिता के पास बैठकर वो प्रार्थना करे, इस मेरा बेटी को बचाओ, वैशाली को बचाओ, सुनिता को बचाओ, रुचि को बचाओ, हालेलुया, शोभा को बचाओ, कविता को बचाओ, कोमल को बचाओ, वो निरंतर वो प्रार्थना कर रहे हैं, हमको सुशीला को बचाओ, सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो, ताकि हम पूरा पूरा बचाए, उत्कर्ष को बचाओ, उत्कर्ष को आशीष कर, सबके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा परमेश्वर है कि वो ऐसे खाली नहीं बैठे, उधर भी जाके वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, हालेलुया, मध्यस्थ कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा सात चीज कैसा, 1-3 हमने के कैसा यीशु मसीह साबित करते कि वो जिंदा खुदा है। ये पत्रकार बोलते कि वही सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारा भविष्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मेरा यीशु सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वो सब चीज हम पढ़ेंगे साथ मिलकर। पहला वो सारे चीज का वारिश है, दूसरा वो निर्माण करने वाला सृष्टिकार है, तीसरा वो प्रकाश देने वाला महिमा की प्रकाश है, चौथा वो क्या है, प्रकाश देने वाला तत्व की छाप है, या प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव, वो पिता को रिप्रेजेंट करता है, हालेलुया, जैसे एम्बेसडर लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे यीशु मसीह धरती पर स्वर्ग के पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा, यीशु मसीह सब कुछ संभालने वाला रखवाला है, हालेलुया। छठवा, यीशु मसीह हमारा शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला परमेश्वर। सातवा, वो क्या है, वो राज करता है, वो अभी स्वर्ग में सब काम खत्म करके उधर जाके बैठता है। बैठने का मतलब इवन राज करना, सबके ऊपर भ्रम करते हैं, राज करते हैं, कोई शैतान आपको छू नहीं सकते, यीशु मसीह राज करते हैं, हालेलुया। फिर हम आगे बढ़े तो अभी पत्रकार ने साबित किया यहूदी विश्वासी को कि मेरा यीशु मसीह तेरे भविष्यवक्ता से भी श्रेष्ठ है। अभी हम चौथा में जाएंगे, चौथा में ये पत्रकार उनको साबित कर दे यहूदी विश्वासी को कि मेरा यीशु मसीह तेरा स्वर्गदूत से भी बढ़कर है। मतलब पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे दूसरा भाग में जाएंगे, वो है इब्राहिम 1:4-14। 4-14 जैसे मैंने बोला, 6 चीज पत्रकार लिखते हैं कि वो दिखाने के लिए कि हमारे यीशु मसीह तेरा स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है। पुराने नियम में यहूदी लोग स्वर्गदूत को बहुत बड़े मानते थे, उन्हें बोलते हैं ये स्वर्गदूत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आत्मा है, वो लोग मूसा को थोड़ा दिया, वो लोग ये करते हैं वो करते हैं, जस्ट स्वर्गदूत बड़ा ही है, ये एक स्वर्गदूत इतना पावरफुल है, 1,85,000 क्या बोलते हैं 85,000 मनुष्य को एक फटके में मार दी, इतना पावरफुल है, तो वो लोग बहुत मानते थे। देखो मेरे समय में हमारे कलीसिया में जो पहले यीशु में नहीं था, तभी मैं स्वर्गदूत का आराधना करते, मिखाएल पर संत स्वर्गदूत को मैं प्रार्थना करते थे, मुझे मालूम नहीं था कि स्वर्गदूत हमारा सेवा करता वाला व्यक्ति है, हम उनका आराधना नहीं करना है, उनसे प्रार्थना भी नहीं करना है, पर हम लोग प्रार्थना करते, उनके फोटो रहते हैं क्या स्वर्गदूत का ऐसा एक हत्या लेकर मारे शैतान को, उसके फोटो को देखकर हम बहुत बैठ के प्रार्थना करते हैं, मिकाएल स्वर्गदूत मुझे बचा, पर हमको प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर का वचन मना करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे कैसे पत्रकार ये साबित करते हैं यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है। पढ़ेंगे इब्रानियों 1:4-14, 4 पढ़ेंगे, 1 हम पढ़ेंगे, 4 और 5। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उससे बड़ा पद का वारिस होकर उत्तम काम पाया। पांचवा भी, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँ और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखता है पत्रकार,
हे मेरा स्वर्गदूत कुछ भी नहीं है, मेरा यीशु मसीह स्वर्गदूत भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि कहां पर परमेश्वर ने, पिता ने किसी स्वर्गदूत को बोला तू मेरा पुत्र है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कोई स्वर्गदूत को बोला नहीं तू मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, परंतु सिर्फ एक ही व्यक्ति को परमेश्वर बोला तू मेरा पुत्र है। कौन है वो? यीशु मसीह। हम देखते कि बपतिस्मा के बाद, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मा से बाहर आया, क्या हुआ उसे, क्या किया उसने, उसने प्रभु का आवाज, स्वर्ग खुल गया और पिता की आवाज को सुना। क्या आवाज सुना? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते कि परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और स्वर्गदूत नहीं है, इसलिए मेरा परमेश्वर, पहला चीज, इसे मेरे यीशु स्वर्गदूत से भी बेहतर है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। तो छह चीज हम पढ़ेंगे, कैसा यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी बेहतर है, सुपीरियर है। हाँ, ओके। तो पहला हम क्या देखा कि कल ही पिता ने यीशु मसीह से कहा कि वो सुपीरियर, वो क्या है, वो मेरा बेटा है, किसी और से कहा। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु के वचन सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह पर्वत में जाता है, किसको लेकर? पत्रोस, योनान और याकूब, तीनों को लेके जाते हैं। वो ये तीन लोग परमेश्वर का खास दोस्त होते हैं, किधर भी जाएंगे ये तीनों को लेके जाएंगे, दूसरों को हाँ उनको भी मानते थे, पर ये तीन उसके खास दोस्त होते हैं। तो एक दिन ये तीन खास दोस्तों को लेकर पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करता है अपने पिता से मुठली में आकर, और उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है, और वहां पर कोने में पतो, योना, याकूब वेट करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। वो लोग सो जाते हैं, सोते सोते जब वो उठता है कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, वो लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? यीशु मसीह का चेहरा तो तेजस्वी है, और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, ये तो मूसा है, ये तो एलिया है, इनके साथ क्या यीशु मसीह बात कर रहा है? यीशु मसीह इतना साधारण लोग, इतने बड़े बड़े लोग से बात कर रहे हैं। वो लोग सोचा मूसा और एलिया बड़ा है। मूसा क्या प्रतीक है? मूसा व्यवस्था के प्रतीक है। एलिया क्या प्रतीक है? वो भविष्यवक्ता के प्रतीक है। तो व्यवस्था और नियम हमको बचा, व्यवस्था और भविष्यवक्त हमें बचा नहीं सकते, सिर्फ यीशु मसीह। जब परंतु जब वो लोग बोला पत्रोस उड़ी मारता हर वक्त, तो बोलते उड़ी मारते बोले यीशु मसीह तू किससे बात कर रहे हैं? हम एक काम करें, तू बात करते रहो, हम तुम्हारे तीनों के लिए तंबू बनाएंगे, तीनों के लिए। उसने क्या किया? सबको एक ही लेवल में सोचा। उसने सोचा यीशु भी एक ही है, ये एलियाह भी एक ही है, मूसा जो व्यवस्था था वो भी एक ही, हल्लू उसको एक ही इसमें लाना। इनफैक्ट वो सोचा रहे ये लोग दोनों और बड़ा है यीशु से, यीशु। तभी वो क्या हुआ, तुरंत ये लोग, ये दोनों व्यक्ति व्यवस्था और परमेश्वर निकल गए, सिर्फ यीशु मसीह वापुता पिता बोला यही है मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो दोनों ने ये मेरा बेटा है, हालेलुया। तो तभी वो पत्रोस के पत्र में भी वो लिखा है कि मैंने यीशु का पिता का आवाज सुना कि यीशु मसीह प्रिय पुत्र है, हालेलुया। तो हमें हमें क्या ये जाना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। अगर दूसरा सब जो यीशु को नहीं मानता है कि यीशु मसीह पुत्र है, कि यीशु, वो बोलते कि यीशु मसीह स्वर्गदूत है, कोई बोलते यीशु मसीह नबी है, ये सब गलत है। वो उनको बोलते कल्ट ग्रुप, कल्ट ग्रुप ने झूठा शिक्षा, झूठा शिक्षा बहुत डेंजरस है, झूठा शिक्षा से मौत तक लोग को आता है, क्योंकि और झूठा शिक्षा। हालेलुया, जो भी यहोवा विटनेस लोग आते हैं कृपा करके अपने घर को खोलो मत, जब वो लोग आएंगे वो लोग श्राप लेके आएंगे। झूठा शिक्षा लोग हर वक्त श्राप लेके आते हैं, जैसा आपको मालूम रहेगा हमने एक घर में गए, हालेलुया, वो सिस्टर हमको बता रहे, रो रही थी, हालेलुया, मतलब क्या हुआ सिस्टर, बहुत उनके बाप को मिला थी, आई मैंने दो तीन बच्चे गिर गए, गिरते मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, गिर रहा है। तो हमने उसको पूछा, फिर हमको मालूम पड़ा कि ये यहोवा विटनेस लोग आकर उसके घर में आते, वो लोग पहले कलीसिया में आते थे, पर वो यहोवा विटनेस लोग आकर उनको बातचीत करके वो यहोवा विटनेस की मीटिंग में जाने लगा। अब हमने बोला ऐसा मत करो, यहोवा विटनेस में कभी नहीं जाने, उस तरह गलत शिक्षा है, अगर आप रहेंगे वो आप मरने के बाद नर के आग में जाएंगे, प्लीज यहोवा शिक्षा में मत भागीदार हो, हालेलुया। तो हम लोग उसको बोला अंगीकार करो, क्षमा मांगो अपने उधर के, तो क्षमा मांगा प्रभु से, क्षमा मांगा झूठा शिक्षा में मैंने कहा कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर ही है, यीशु मसीह नहीं है, बोल के परमेश्वर नहीं है, बोल के हम लोग मुझे क्षमा कर, जैसे उन्हें पश्चाताप किया तुरंत उसी साथ प्रभु ने उसके को आशीष किया, उसको एक बेटा नहीं दो बेटा प्रभु ने उसको दान दिया, हालेलुया। तो श्राप निकल जाते, आशीष आता है।
कौन सा श्राप आपको पकड़ के रखा है, क्या आप कोई झूठा भविष्य शिक्षा में आप चले गए लोग का बातों में आकर ऐसा करो, बहुत लोग आपके आपको बोलेंगे फोन करके, अरे तिकड़े जाते हैं इकड़े जाते हैं, भैया ऐसा नहीं ऐसा करा ऐसे, ये ऐसे नहीं करेगा ऐसा करने का ऐसा करने का ऐसा करने, उनको खुद नहीं मान, वो लोग गड़बड़ी में आपको भी गड़बड़ी में डालेंगे। तो प्लीज अगर आपको कोई भी संदेह है हमसे बातचीत की, अपोस्टल जी से बात कीजिए, हम वचन जानते हैं, जितना हम मालूम है हम आपको बताएंगे, जो नहीं जानते जरूर हम उसके रिसर्च करके फिर आपको बताएंगे। हालेलुया, प्लीज झूठा शिक्षा में मत जाइए। बहुत सारे योग मेरे पास, मेरे फ्रेंड जो मेरे कॉलेज में थे वो भी जो विटनेस है, वो बहुत मुझे सोचा बोलने के लिए, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करेंगी। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है बाइबल का, आप वाद विवाद करने को मत जाइए, क्योंकि वो लोग पूरा गड़बड़ी में डालेंगे, वो लोग को सिर्फ दो तीन वचन जानते हैं उसमें आपको गुम फिराएंगे, उसको ज्यादा कुछ नहीं मान, जस्ट दो तीन। प्लीज इस झूठा शिक्षा में कभी मत आइए, यीशु मसीह पुत्र है, वो परमेश्वर भी है। हालेलुया, चाहे वो जो विटनेस हो या जीसस ओनली हो या माता परमेश्वर, सब गलत, बहुत सारी गलत शिक्षा आने वाला है। हमको सावधान होना है, एक ही कलीसिया में बन लो, वो भी दो तीन कलीसिया में मत चाहिए, एक ही कलीसिया जो आपको मन में वचन की बुनियाद में, देखो चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भाओ, इधर पावर है उधर पावर है, इधर जाएंगे तो और वचन सुनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया, यूट्यूब में भी बहुत सारे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे गलत शिक्षाएं में भी है यूट्यूब में, तो कृपा करके इससे कंफ्यूजन से बचने के लिए ये दोनों पाव एक ही कलीसिया में रखिए। कोई बोले नहीं नहीं हमारे साथ आओ, इधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे, उधर अच्छा वचन है उधर पर, प्लीज मत जाएंगे, मेरे बात को सुनिए, कृपा करके आप हाथ जोड़ के बोलता हूँ किसी इधर उधर भटके मत जाइए, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। फिर ऐसे लोग भी है मैंने देखा, हम लोग इतने साल का मसीह में है, बहुत सारे लोग बोलते इधर शिक्षा होते, वो लोग भागते हैं अभी, और किधर भी नहीं, अभी घर में बैठ के खाली बजा रहे। हेलो, सोचो आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, जितना चमत्कार के पीछे मत भागो, इधर ज्यादा पावर है, ये प्रार्थना करो तो बहुत पावर आता है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा है आप सबके अंदर पावर है, प्रेरित 1:8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएंगे तो तेरे को पावर मिलेंगे गवाही बनने की। अगर आप पावर नहीं है तो कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में, आपके जीवन में पावर होना चाहिए। आज से आप लोगों को प्रार्थना करें, आप अभी भी ढूंढ रहे कौन किसके पास पावर है, आपके अंदर पावर है। हेलो सुन रहे, आपके अंदर पावर है, आप जाके प्रार्थना अपने अड़ोस पड़ोस में चलाई पाएंगे, आप मुर्दे को जिलाएंगे, मैं बता रहा हूँ, आप बड़े बड़े काम करें। लूकोस 9:1 में लिखा है यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, 70 लोगों को बुलाया, 10 में लिखा है 9:12 लोगों को, 10 में 70 लोगों को बुलाया, उनको पावर दिया सारी बीमारी के ऊपर, सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर उन्होंने पावर दिया। पावर चाहिए, पावर आपसे शुरुआत करता है। हालेलुया, इधर उधर भटको मत, पावर आपके अंदर है, आपको आपके हाथ को अपने हाथों को उठा बोलो यीशु मेरे हाथ में पावर है, और मैं प्रभु को ढूंढ के नहीं रहेंगे, मेरे हाथ में पावर है, मैं जब प्रार्थना करेंगे वो काम जहां पर मैं काम पे जा रहे हैं मेरा अड़ोस पड़ोस वो सब चंगाई पाएंगे आशीष पाएंगे। हालेलुया, आप पावरफुल है, आप पावर ढूंढ के क्यों जा रहे हैं, आपके अंदर पावर है, भटको मत, उसको भी दूसरों को भी भटकाओ मत, आपके अंदर पावर है, आप कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। हालेलुया, एक ही कलीसिया में रहिए, अगर आपको अंत विश्वासी होकर रहना है, यीशु में शुरू किया यीशु में खत्म करना है, फिर एक ही कलीसिया में दोनों पावर को भटको मत। एक दिन ऐसा समय आएंगे आप सिर्फ अकेले रहकर घर में बैठ के ताली बजाएंगे, क्योंकि आपने इधर उधर घुमा अभी किधर भी नहीं है। हालेलुया, एक ही परमेश्वर, एक ही कलीसिया, एक ही बपतिस्मा, एक ही जगह में दिखाई रहे अंत तक। फिर प्रभु बोले अच्छे और विश्वास योग्य, कौन विश्वास योग्य, शुरुआत से अंत तक विश्वास योग्य रहिए, अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य, अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहिए, अपने बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ, शारीरिक मम्मी पापा और अपनी मम्मी पापा के साथ विश्वास योग्य रहिए। लोगों के बात में तो मत आइए, ये क्या बोल रहे वो क्या बोल रहे इधर जाओ उधर जाओ, नहीं, एक ही जगह में फिक्स हो जाए। अभी वृक्ष को देखा है, वृक्ष क्या करता है एक ही जगह में रहते हैं, नहीं नहीं वो वृक्ष को अभी इधर मेरे को फल नहीं मिला अभी इधर जाता हूँ इधर थोड़ा फल आएंगे, नहीं वो वृक्ष इधर उधर भटकते हैं उसको जड़ नहीं पाएंगे, वो थोड़ी देर के बाद सूख जाएंगे। एक डाली हिलते हुए डाली वो इधर उधर घूमने वाली डाली कभी फल नहीं लेके आ सकते, फल चाहिए एक ही जगह पर रोप गया वहां पर रहो भटको मत। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते कि बहुत सारे ऐसे कलीसिया उठने वाला है तो बोलेंगे ये है वो है वो शिक्षा ये शिक्षा, जो वचन मिलेंगे उसमें ही आप रहो। हालेलुया, जब भी आप वचन सिखाओगे, अब मैं भी अगर वचन सिखा जाओ अपनी बाइबल निकालो पढ़ो क्या सिस्टर ने सिखाया क्या सही है, हाँ ये वचन में ऐसा है, हम जो भी सिखाएंगे वचन के द्वारा ही सिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
इसलिए आज से आप बोलिए, मैं पावरफुल हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाए व्यक्ति हूँ, हालेलुया। और मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा तीनों त्रि एक परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। कोई कुछ बोलेगा तो प्लीज इधर उधर भटकान मत जाइए, यहोवा विटनेस आने दो, कोई ना आप उनके पास मत जाइए, यीशु मसीह में स्थिर रहिए। हालेलुया। हम आगे जाएंगे तो पहला हमें ये स्थापित हो गया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कोई स्वर्गदूत नहीं। चार और पांच में किया कि पिता का आवाज आएगी, यही मेरा जिसमें अति प्रसन्न है। ये दूसरा हम पढ़ेंगे छठवा वाक्य, चार और पांच हो गया अभी, छठवा इब्रानिया एक का छठवा वाक्य पढ़ेंगे। यस, और जब पहलौठा के को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर की सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। यस, कौन पहलौठा था? पहला व्यक्ति कौन था प्रभु का? पहला बेटा यीशु मसीह। तो पहलौठा पैदा होता है, जब यीशु मसीह का पैदाइश किधर हो गया? बेथलहम शहर में। जब उसका पैदाइश बेथलहम शहर में, छोटा बच्चा की तरह वो पैदा हुआ इस धरती पर, क्या हुआ? सारे स्वर्गदूत बुलाने लगे, हालेलुया, चरवाहों को बुलाने लगे, कोई यीशु मसीह का पैदा होगा, और स्वर्ग में स्वर्गदूत का मीठा मीठा आवाज आने लगे। उस रात जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस तबेले में, स्वर्गदूत स्वर्ग में इतने सुंदर मीठा मीठा आवाज से गाने लगा, ओ ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, महिमा हो पिता जो ऊंचे में है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड सेलिब्रेशन कंप्लीट्स पीपल, हालेलुया। इतना सुंदर मधुर गीते गाने लगे, इससे बहुत सारे कॉयल हो गाते, ग्लोरिया ग्लोरी महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया। ये सब कब हुआ? प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, जब यीशु मसीह पहलौठा पैदा हुआ तब क्या हुआ? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा उनका प्रभु का आराधना करने के लिए। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? वो आराधना का केंद्र बिंदु है, इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। और स्वर्गदूत क्या है? उनका आराधक है, उनका आराधना करने वाले व्यक्ति। तो इससे यीशु मसीह हर वक्त स्वर्गदूत से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका सेकंड केस क्या है? कैसा पत्रकार साबित करते हैं यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है? ये कहते हुए कि यीशु मसीह पहलौठा है और उसकी आराधना करने के लिए स्वर्गदूत को प्रभु ने नियुक्त किया, उस बेथलहम में, उस शहर में, स्वर्ग में, ऊंचे ऊंचे स्थान में उड़ उड़ कर वो प्रभु की परमेश्वर की आराधना कर रहा था, हालेलुया। ओके, तीसरी बात हम पढ़ेंगे क्यों यीशु मसीह स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है। तो आएंगे सातवां वाक्य और तेरा वाक्य भी पढ़ेंगे, सात और तेरा। यस, और स्वर्गदूत के विषय में, और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है कि वो अपने दूतों को, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को, सेवकों को धड़कती आग, धड़कती आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका चलो एक सिस्टर को साउंड नहीं आ रहा है क्या? सबको साउंड आ रहा है? हाथ ऐसा कीजिए, Everybody is getting sound, सबके पास आवाज आ रहे हैं? कमेंट में यस लिखिए, अगर आपको साउंड आ रहे हैं आप कमेंट में यस लिखिए। सबको साउंड आ रहे हैं? यस, ओके, सबका हाथ ऊंचा रहो, उसका मतलब सबको साउंड आ रहे हैं। तो सुदर्शन जस्ट चेक अप, मे बी ओनली योर नेटवर्क में समथिंग मस्ट बी, या एवरीबडी इज रिटन यस, सो कैन यू चेक योर नेटवर्क, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। ओके, आइए वापस जाएंगे। तो तीसरा क्या है, कैसा उसे साबित किया कि यीशु मसीह महान है? तो सातवां में हम पढ़ा कि वो स्वर्गदूत सिर्फ वो हवा है, पवन है, या तड़कती हुए आग है। पर यीशु मसीह क्या किया? तेरा में आएंगे, यीशु मसीह जाकर पिता के, और स्वर्गदूत से उसने किसे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओ के बीचे की पीढ़ी लो कर दूं। हालेलुया, ये वो लोग बोलते हैं ये वचन भजन से 110 से निकला है। हमने वहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर पिता वहां पर पत्रकार लिखते है कि बोलो स्वर्ग के उनसे, स्वर्गदूत से परमेश्वर बोला तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ, हालेलुया, तेरे सारे शत्रुओं को तेरे चौकी बनाएंगे। किसी स्वर्ग वो लोग सिर्फ सेवा करता है, इसे वो पवन की तरह आग की तरह वो मैसेंजर मेरा, हालेलुया। स्वर्गदूत क्या है? मैसेंजर है, संदेश देने वाला। स्वर्गदूत एंजल्स शब्द यूनानी शब्द एंजिलोस से आता है, जिसका मतलब संदेश देने वाला, हालेलुया। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सेवा करते हैं। सातवां में लिखा है कि वो पवन और धड़ती हुए आग की तरह वो सेवा करता है। तो हर वक्त स्वर्गदूत क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और हमारा यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठकर राज करता है। वो सेवक है, एक राजा है।
हालेलुया। तो हम कभी भी हमको जाने तीसरा चीज यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ स्वर्गदूत से। ओके चौथा में आएंगे क्यों परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है। आठवां वाक्य परंतु पुत्र से कहता है, वो पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर हाँ तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा। हाँ तेरा सिंहासन युगायुग रहेंगे। ओके या आमेन प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखे कि कौन किसे कहता है कि तेरा सिंहासन युगायुग रहेंगे। हाँ वो पुत्र से कहता है। कौन है पुत्र, किसका पुत्र है यीशु मसीह? परमेश्वर। उसका मतलब परमेश्वर खुद, परमेश्वर खुद यीशु मसीह से कहता है तू परमेश्वर है। ये परमेश्वर, ये पिता क्या बोलते यीशु को, ये परमेश्वर, परमेश्वर खुद पिता खुद यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है। वो क्या बोलते है? तेरा सिंहासन युगायुग है। गॉड हिमसेल्फ इज टेलिंग जीसस दैट यू आर गॉड, योर किंगडम शैल रेन फॉरएवर। यही वचन साम्स 45 छह और सात में भी वही वचन दिखता है। हालेलुया कि परमेश्वर पिता खुद अपने पुत्र को बोलते तू परमेश्वर है। फिर कौन है जो कल्ट रूप जो बोलते यीशु मसीह परमेश्वर? परमेश्वर खुद कहता है अपने बेटे को तू परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्गदूत है, वो नबी है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया, कोई कुछ बोले मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके आगे पांचवा पढ़ेंगे नौवा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। मैं उसका मतलब मेरा यीशु मसीह अभिषेक राजा है और उसका राज्य अनंतकालिक है और ये स्वर्गदूत सिर्फ उनका सेवक है। वो जो अभिषेक लिखा है वो नानी शब्द पुस्तों से आते, पुस्तों से मतलब अभिषेक व्यक्ति। हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे यीशु मसीह कौन है? वो अभिषेक व्यक्ति है। हालेलुया, और उसका राज्य कैसा है? अनंतकालिक है, फॉरएवर और युगायुग है, परंतु यीशु स्वर्ग सिर्फ उनका सेवा करता है। ओके आगे 10-12 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 10-12। और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि में तू पृथ्वी के नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी, स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, भी तो नाश हो जाएंगे। हाँ सबको जो दुनिया में आप दिखते हैं सबको नाश होंगे। देखो अभी कभी भी हम देख रहे आज तो जिंदा था, अभी नहीं है, मर गया। अरे बाप रे, इतना फटाफट लोग मर रहे हैं। जवान लोग का श्रद्धांजलि हम देखते हैं, कितने लोग मरा इस एक दो साल में, कभी सोचा ऐसा दिन आने वाला है? नहीं, अभी है, अभी नहीं है। तो सब कुछ तात्कालिक है, जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ तात्कालिक है, वो सब मिट जाएंगे, देखेंगे आगे। हाँ और भी सब वस्त्र की नाई पुरानी, हाँ वो वस्त्र एक कपड़े के नाई, वो पुराना होएंगे, वो मिट जाएंगे, वो जल जाएंगे। यस और आगे, और तूने चादर की नाई लपटेगा, हाँ तूने चादर की नाई लपटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, वस्त्र की नाई बदल जाएंगी। पर तू वही है, पर तू तो वही है और तेरे वर्षा का अंत हाँ, होगी, तेरा वर्ष का अंत कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, सब कुछ मिट जाएंगे जो आप देख रहे हैं, सब कुछ मिटने वाला है। हालेलुया, धरती आग से जल के राग होने वाला है। पहला ये धरती मिट गया जल से, जल के द्वारा, पूरा फ्लड के द्वारा पूरा धरती मिट गए नुआ के समय में। अभी वो मिट जाएंगे पूरा धरती, कैसे मिटेंगे? आग के द्वारा, प्रभु का वचन भी लिखा है। हालेलुया, तो क्या प्रभु क्या बोलते हैं? इसके ऊपर तुम भरोसा मत कर, देखने वाली चीज तकता चीज पैसा घर गाड़ी, इसके ऊपर भरोसा मत, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा ऐश, मेरा आराम, मेरा नाम, कुछ भी रहने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, हर आनंद काल जगह है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो कल आज युगायुग वही है, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्याग करेंगे, वो अनंतकालिक परमेश्वर। तो ये 6 केस पेपर से उस पत्र का साबित करते कि मेरा यीशु मसीह स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है। वो क्या है? पहला वो कहता है कि यीशु मसीह तो पुत्र है, स्वर्गदूत किसी को पिता ने बोला नहीं, वो तू मेरा पुत्र है। दूसरा यीशु मसीह पहलौटा और स्वर्गदूत को आज्ञा दिया, जब उसका जन्म हुआ सब गाओ आराधना करो, स्वर्गदूत सिर्फ एक आराधक है पर मेरा बेटा यीशु मसीह इस आराधना का केंद्र बिंदु है। तीसरा यीशु मसीह
पिता के दाहिने हाथ बेटा परंतु पुत्र वो ये स्वर्गदूत उसे उसका दास है। हालेलुया। फिर चौथा यीशु पिता परमेश्वर खुद कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। त्रि एक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। इससे हमको उसको आदर देना है। और पांचवा, यीशु मसीह अभिषेक राजा है, उसका राज्य अनंतकाली है, उसको बोलते क्रिस्तोस अभिषेक व्यक्ति। छठवा, यीशु मसीह अनंतकाली है। हालेलुया। और युगा युग वैसे ही है, सब मिट जाएंगे पर यीशु मसीह नहीं मिटेंगे। ओके, अभी आपको जाना है कि 14 वाक्य में आएंगे, लास्ट वाक्य में फिर हम खत्म करेंगे। यस, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वह सेवा टहलने वाले आत्मा नहीं? मतलब यीशु मसीह स्वर्ग तो क्या है, वो सेवा करता है। किसका सेवा करता है? हाँ, तो उद्धार पाने वालों की सेवा करता। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर उद्धार पाए? हाथों हाथों को उठाइए। यस, आमीन। हम सबका सेवा करने के लिए स्वर्गदूत है। अब कभी भी स्वर्गदूत देखकर दंडवत मत करो। हालेलुया। हम वो हमारा सेवा के लिए हर वक्त हमारा पास है। हर एक व्यक्ति के साथ दो स्वर्गदूत है, गार्डियन एंजल्स जो बोलते हैं, वो हर वक्त आपके साथ है। आपको क्या करना है? हालेलुया, उनको काम में डालो। हालेलुया। तो पहला स्वर्गदूत क्या 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 ड्यूटियां देखेंगे? पहला, ये स्वर्गदूत हमारा सेवा करने के लिए तक में रहता है। आपको क्या चाहिए वो स्वर्गदूत लेके आएंगे। हालेलुया। दूसरा, वचन से 91:11 हमारे टाइम पढ़ते हैं। हाँ, क्या पढ़ते हैं 11 में? कि स्वर्गदूत जो हमारे चार्ज में, वो हमें रक्षा करेंगे। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हमारा रखवाला के लिए, इसे हम देखते प्रेरित के कामों में, पत्रोस जेल में थे, तीन बड़े बड़े बुलंद दरवाजे, लोहे के दरवाजा को तो क्या किया, स्वर्गदूत अंदर आया, सारे लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और आसानी से स्वर्गदूत ने पत्रोस को बाहर लेके आया। हालेलुया। और ये वैसे मैंने एक स्वर्गदूत आकर अमलेकाइट्स 185,000 अमलेकाइट्स शत्रु को मार डाला, इसराइलों को बचा लिया। हालेलुया। वो विश्वासी लोग को उसका रक्षक है। हालेलुया। बहुत आप सबके घर के सामने भी एक स्वर्गदूत रहेंगे आपको रक्षक, जिसे आप आराम से सो सकते हैं। स्वर्गदूत हर वक्त आपके चारों रहता है, आपको सुरक्षित करने के लिए। तीसरा, लूका 15 में लिखा है कि स्वर्गदूत आनंद मनाते, हर एक व्यक्ति जब एक पापी जब उद्धार पाते क्या होते हैं, सारे स्वर्गदूत नाचते गाते पार्टी मनाते स्वर्ग में। चौथा वाक्य, चौथा क्या है? स्वर्गदूत लूका 16 में लिखा है जब कोई विश्वासी मरता है, जैसे लाजर को स्वर्गदूत आके लेकर इब्राहिम के गोद में लेके, वैसे जब कोई विश्वासी लोग मरते, आप लोग कभी मरेंगे क्या होगा, आप लोग आप यहाँ से मरेंगे पर आपके आँख खुल जाएंगे, आप क्या देखेंगे, दो स्वर्गदूत आते हैं आपको ले अपने हाथों में लेकर आपको स्वर्ग में उठा के लेके जाएंगे। और क्योंकि आपको रास्ता नहीं मालूम स्वर्ग का, तो दो स्वर्गदूत आएंगे आपको, जब आप मर जाएंगे सब लोग रो रहे हैं, इधर स्वर्गदूत आएंगे आपको उतना आप हंस हंस के आनंद मनाते हुए वो लोग आपको लेके जाएंगे। फिर कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म होकर आप आनंद से स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गदूत आएंगे आपको लेके जाने के लिए। वैसे ही जब पापी मरते, मुझे जो मूर्ति पूजा करने वाला और गलत शिक्षा में जाने वाला, वो लोग जब मरते क्या होते हैं, दुष्ट आत्मा उनको खींच लेते हैं, और ऐसे दिखने में कितना क्रूअल दिखते हैं वो दुष्ट आत्मा, वो खींच के नर के आदमी झोंकता है। तो कौन आना चाहिए हमारा सेवा के लिए जब हम मरेंगे और उनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए? स्वर्गदूत आना है। तो विश्वास होकर रहिए यीशु मसीह के साथ। पांचवा, ये स्वर्गदूत क्या करते हैं? कोलोसियन 2 में लिखा है कि प्रॉपर वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, कोई स्वर्गदूत का आराधना नहीं करना है। इवन प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत डाकते यूनान, क्यों मेरे पाँव में आके गिरते हैं जब मैं ऐसा प्रकाशन दिखाता है, मैं तो सिर्फ तेरा दास है, मेरा परमेश्वर कौन है मालूम है? क्योंकि स्वर्गदूत 24 घंटे परमेश्वर के पास सामने रहते हैं, वो देखते कितना अद्भुत परमेश्वर, और वो सोचते ये परमेश्वर इतना बड़ा हो कि ये ऐसे लोग मनुष्य लोग जो कदर नहीं करते हैं, ऐसे लोग को क्यों प्रभु इतना प्रेम करते हैं, उनको उधार देते हैं। हालेलुया। वो लोग बोलते हैं तो इसलिए स्वर्गदूत हमको आराधना नहीं करना है, कोलोसियन 2 में चेतावनी है। छठवा, हमको जाना है स्वर्गदूत का एक भी सेवकाई है, वो मैसेज देते हैं हमारे, फाइट करते हैं, ऊपर परमेश्वर का आराधना करते हैं, तो उनका भी एक सेवकाई है। और सातवा, वचन से 103:20 में लिखा है कि स्वर्गदूत हमारा कमांडमेंट में हम बोल सकते हैं, पर वचन के द्वारा जब बोलेंगे वो स्वर्गदूत काम करता है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, यीशु का कमांड में जाते हैं, हमारा कमांड नहीं, हम जो वचन बोलेंगे उसके कमांड में वो जाएंगे। हालेलुया। तो ये है स्वर्गदूत के बारे में। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि स्वर्गदूत के ऊपर अपना फोकस मत रखो,
भविष्य के ऊपर अपना फोकस मत रख, पत्रा बोलते हैं आप यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजर रख, क्योंकि फिलिपियन 2:9-11 में सर्वश्रेष्ठ सारे अधिकार यीशु के नाम में घुटने टेकेंगे, स्वर्ग में, धरती में, पाताल में सब लोग यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, उनकी जुबान अंगीकार करेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि अब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कोई पक्षपात नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। इससे प्यार हो ये जान लो कि यीशु मसीह जब आंधी को थम बोला थम जा, वो थम गए, जब यीशु मसीह बोला मछलियां आ जाओ, वो आ गए, और पत्रोस के क्या बोलते हैं वो जाल में फंस गए, वो जो पूरा रात भर मेहनत किया मछली ने मिला, यीशु मसीह के एक कहने पर सारे मछली उसके जाल में फंस गए। तीसरा मेरा यीशु मसीह जब बोलता है, जब पानी में चलता है वो पानी एक प्लेटफॉर्म बनकर तेरा यीशु को लेके चलता है। मेरा यीशु मसीह जब बोलता है चंगा हो जा, बीमार लोग चंगा होता है। यीशु मसीह बोलता है दुष्ट आत्मा निकल, वो दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। जब यीशु मसीह जा दिन मरा हुआ लाशित बोलते हैं उठ बाहर आ बाहर निकल, और यीशु एक बॉल की तरह बाउंस होकर वो अवस्थान से या लाशित बाहर उठता है। जब यीशु मसीह बोलते कहता है तेरे पाप का क्षमा हो गया, सारे पाप धुल जाते हैं, क्षमा होते हैं, हालेलुया। इसलिए करोड़ों पापी लोग अभी वो संत होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पावर के द्वारा सब व्यक्ति उद्धार पाता है। इतना बड़ा परमेश्वर है, इसे पत्रकार बोलते हैं भविष्यवक्त नहीं, स्वर्गदूत नहीं, पर मेरा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, सारे चीजों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। जरा हाथ उठाकर जरा ताली बजाइए मेरे यीशु मसीह के लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें।